मीना के रसोई में बन रहे आज कद्दू के सब्जी इस वीडियो के लास्ट तक देखें, एक एक करके डिटेल से बताएंगे। हेलो फ्रेंड, मीना की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी गांव जैसे कद्दू की सब्जी। इस वीडियो के पूरा देखिए। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए कद्दू की सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। कद्दू की सब्जी बनाने के लिए 1 kg कद्दू ले लिए है। मेरे गांव में इसे सीताफल भी कहते हैं, काशी फल भी कहते हैं, कोमरा भी कहते हैं। आपको उधर क्या कहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। 2 चाकू ले लिए। इस चाकू से काट लेंगे, इस चाकू से छील लेंगे। इसे इस तरह से काट लेंगे, इस चाकू से छील लेंगे। सारे इसी तरह काट लेंगे, छील लेंगे। इसे अच्छे से छील लिए है। इसे पानी से धो लेंगे, इसे बारीकी से काट लेंगे। पानी से इसे धो लिए है। एक चकला ले लिए, इस चकला पर इसे काट लेंगे। इस तरह से सारे काट लेंगे। कद्दू के बारीकी से काट लिए है। बारीकी कटी हुई कद्दू ले लिए है। एक गरम मसाला पाउडर है, एक साबुत जीरा है, एक सादा नमक है, एक कश्मीरी मिर्च पाउडर है, एक काला नमक है, एक साबुत धनिया है, ये बारीकी कटी हुई प्याज है, ये सरसों तेल है, ये अमचूर पाउडर है, ये साबुत सौंफ है, ये साबुत काली सरसों है, ये साबुत मेथी दाना है, ये बारीकी कटी हुई हरी मिर्च है, ये बारीकी कटी हुई लहसुन अदरक है, ये बारीकी कटी हुई धनिया पत्ता है, ये 1 कटोरी चीनी है, ये हींग पाउडर है, ये हल्दी पाउडर है, ये 2 तेजपत्ता है, 2 लाल साबुत मिर्च है। फ्राई पैन चूल्हे पे चढ़ा लिए, चूल्हे की जला लेंगे। चूल्हे जला लिए, इसे गरम होने देंगे। फ्राई पैन गरम हो चुकी है, इसमें सरसों तेल डालेंगे, इसे गरम होने देंगे। तेल गरम हो चुकी है, इसमें साबुत जीरा डालेंगे, ये धनिया डालेंगे, ये सौंफ साबुत सौंफ है डालेंगे, ये काली सरसों डालेंगे, ये मेथी दाना डालेंगे, ये 2 तेजपत्ता डालेंगे। इसे मिक्स करेंगे, इसे थोड़ी देर अच्छे से फ्राई होने देंगे। इसका कलर डाउन हो चुकी है, इसमें 2 लाल मिर्च साबुत डालेंगे, इसमें लहसुन अदरक बारीकी कटी हुई डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये बारीकी कटी हुई हरी मिर्च है, इसमें डाल देंगे। इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बारीकी कटी हुई प्याज है, इसमें डाल देंगे। इसी तरह से फ्राई करते रहेंगे। ये कलर थोड़ी से डाउन हो जाएगी, इसमें और मसाला डाल देंगे। ये कलर प्याज का कलर थोड़ी से डाउन हो गए हैं, इसमें हींग पाउडर डालेंगे। इसे मिक्स करेंगे। हींग पाउडर अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, इसमें मिक्स किए हुए काला नमक डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें सादा नमक डालेंगे, इसे मिक्स करेंगे। इसे थोड़ी देर और फ्राई करेंगे। ये फ्राई हो चुकी है, इसमें बारीकी कटी हुई कद्दू डालेंगे। इसमें बारीकी कटी हुई कद्दू डाल दिया, इसे अच्छे से चला लेंगे। इस तरह से चला लेंगे। इसे चला लिए है, इसमें ढक्कन लगा लेंगे। इसे थोड़ी देर पकने देंगे, फिर देख लेंगे। थोड़ी देर हो गई है, इसे ढक्कन हटा के इसे चला लेंगे। फिर इसमें ढक्कन लगा लेंगे, फिर 1 से 2 मिनट इसे पकने देंगे। 2 मिनट हो चुकी है, ढक्कन हटा लेंगे। इसे बीच बीच में इसे चला लेंगे। इसे अच्छे से फ्राई होने देंगे। फ्राई होने के बाद इसमें और मसाला डालेंगे। ये अच्छे से फ्राई हो चुकी है, इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। ये हल्दी पाउडर है, इसमें डाल देंगे। हल्दी पाउडर डाल दिए, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्दी पाउडर अच्छे से मिला लिए है, इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। डाल दिए, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर इसमें अच्छे से मिक्स हो चुकी है,
इसमें लाल मिर्च पाउडर नहीं डालेंगे, ये पहले बारीकी कटी हुई हरी मिर्च डाले हुए हैं, नहीं तो लाल मिर्च पाउडर डालेंगे बहुत तीखी हो जाएगी, इसलिए लाल मिर्च पाउडर नहीं डालेंगे। ये अमचूर पाउडर है, इसमें डाल देंगे, डाल दिए, इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। अमचूर पाउडर अच्छे से मिक्स हो चुकी है, इसमें थोड़ी सी पानी डालेंगे, इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसमें चीनी डालेंगे, इसे अच्छे से मिलाएंगे। चीनी के अच्छे से मिला लिए हैं हम, चीनी डालेंगे, आप अपने हिसाब से गुड़ भी डाल सकते हैं। इसमें गरम मसाला पाउडर डाल देंगे, चारों तरफ से डालेंगे, गरम मसाला पाउडर डाल दिए, इसे मिला लेंगे। इस कटोरी से डेढ़ कटोरी पानी डालें, इसे अच्छे से पानी डाल के अच्छे से मिला लिए हैं। इसमें ढक्कन लगा लेंगे, 5 मिनट के बाद इसे देख लेंगे। 5 मिनट हो चुकी है, ढक्कन हटा लेंगे, इसे देख लेंगे। गांव जैसे कद्दू की सब्जी बनके रेडी हो चुकी है, गैस की कर देंगे बंद, चूल्हे से नीचे उतार देंगे। इसे नीचे उतार दिए है, ये बारीकी कटी हुई धनिया का पत्ता है, इसमें सजा लेंगे। धनिया का पत्ता से सब्जी सजा लिए है। गांव जैसी कद्दू की सब्जी बनके रेडी हो चुकी है, इसे घर में बनाइए, टेस्ट कीजिए, अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल घंटा दबा दीजिए, जिससे मेरे अगले वीडियो आप तक पहुँच पाए। हम मिलते हैं दूसरे रेसिपी में, जब तक अपना और अपनों के ख्याल रखिए, नमस्कार।